इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ तो शायद सुअर भी ना बैठे। स्वच्छ भारत का वादा लो कर लिया इरादा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बड़े मंचों से कह चुके हैं कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है और इसके लिए वो अपनी तत्परता भी दिखाते हैं, लेकिन उनकी तत्परता किस हद तक ज़मीन पर उतरी है ये आपको इस कॉलोनी में थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति। द लोक नीति के इस अंक में हम आप पहुँचे हैं पीसी कॉलोनी, जहाँ वार्ड नंबर 49 के हालातों से आपको हम अवगत करवाएंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो हमको बताएंगे कि इस वार्ड में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। आपको बता दें, यहाँ की वार्ड पार्षद संतोष जी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब से वो जीती हैं तब से शायद ही एक आध बार उन्होंने इस वार्ड का निरीक्षण भी किया होगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं उनको। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश मसानी है। राकेश मसानी है हमारे साथ, यहीं के स्थानीय निवासी हैं। ये हमको बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे। सर क्या दिक्कतें? सर दिक्कत ये है कि पीछे चैम्बर टूट भरे हुए हैं, पाइप पूरे फूटे हुए हैं जी। उसके वजह से घरों में सीलन आ रही है, घरों में सीलन जी, और बच्चे बीमार पड़ते हैं, काम अभी तक हुआ नहीं है। तो पार्षद जी आप लोग उसका ही मिलने नहीं आई? मिलने कब आई, कभी आती नहीं है पार्षद। तो आपने इन सब चीज़ों की शिकायत जो है वहाँ जाके नहीं की? की, बहुत बार की है पर कोई सुनवाई नहीं होती है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकील अंसारी जी। क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे? सर यहाँ पर नाली की और ये गंदगी की अपन कंप्लेन भी करते हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन करते हैं, महीने महीने हो जाते हैं, कंप्लेन कट जाती है वहाँ से। ये होता है कि आपको वहाँ सफाई अभियान हो चुका है, मगर यहाँ कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। कितनी सफाई हुई है आप इन तस्वीरों को देख के बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। ये बगल में घर है और उसके नीचे जो है इतनी गंदगी है, और अभी 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 कुछ देर पहले यहाँ पे एक सुअर भी था जी, मलेरिया होता है सर। तो क्या क्या दिक्कतें हैं आपको खुद दिखेंगी यहाँ पे? मलेरिया भी होता है इसके। आप बताएं आपका नाम क्या है? हमारा नाम शंकर लाल श्रीवास्तव। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हमको 4 साल हो गए सर। 4 सालों से जी। क्या कुछ दिक्कतों का सामना? दिक्कतों को अगर साहब, वो गंदगी बहुत रहती है सर, हमेशा नाला भरा रहता है। सिर्फ गंदगी ही एक दिक्कत है? ये गंदगी जी साहब, पूरा पानी आता है ऊपर से नीचे तक, वो नीचे भरा रहता है, पूरे चैम्बर भरे हुए हैं, 1 से 7 नंबर में। खिड़कियों में फेंक के मार देती है कचरा, हमारी गैलरियों में गिर जाता है, पानी भर रहा हमारे लिए। कौन 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 खिड़कियों में कचरा फेंक देता है? ऊपर वाली फेंकती है तो नीचे वाली में बालकनी में गिर जाता है। कचरे वाली गाड़ी कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है इधर की? बाइये कोई नहीं देती है। ऊपर से कोई कचरा फेंकता है तो आके इनके घरों में गिर जाता है। कचरे वाली गाड़ी आती है लेकिन वो यहाँ से क्या लेके जाती है ये वही बता सकते हैं। ढेर लग रहा है। अब बोलो क्या बोल रही थी? पूरे कचरे का ढेर लग रहा, ऊपर से कचरा फेंकता, पानी फेंकता, हम ढंग से ही नहीं रह पाते। हमारी गैलरी में किचन में पानी चला जाता, हमारी किचन में कचरा जाता है। इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ तो शायद सुअर भी ना बैठे, और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं पूरे बिल्डिंग हैं, लोग रह रहे हैं, पता नहीं किस तरह रह रहे हैं। ये पूरा आप कह सकते हैं एक तरीके से जो है कचरे का, नाली के पानी का, सीवर का, सबका एक दलदल है जिसमें आप एक बार फंस जाएं तो निकलने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ भाई साहब? सर बिल्कुल। तो ये दिक्कत कब से है? ये दिक्कत तो सर सालों साल से है। क्या सफाई होती नहीं है सर? सफाई बिल्कुल होती सफाई होती नहीं है। बिल्कुल आप देख भी सकते हैं, अगर जो सफाई होती किसी भी एरिया की, मान लीजिए हर दिन नहीं सही, हफ्ते में अगर जो एक दिन भी सफाई होती तो उसकी स्थिति इस तरीके की नहीं हो सकती थी। चैम्बर खुला, आगे से आपने देखा कि बिल्डिंगों के सामने रोड है, लेकिन पीछे की स्थिति क्या है ये शायद ही आपको कोई दिखाएगा। लेकिन द लोक नीति का ये काम है और हमेशा करती रहेगी कि जन लोगों के मुद्दों के, जन चेतना के लिए हमेशा काम करते रहे, उन मुद्दों को उठाते रहे जिन मुद्दों से शायद नेशनल मीडिया बहुत दूर भाग चुकी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये समस्या सिर्फ एक जगह है, पूरे वार्ड की स्थिति यही है। यहाँ जहाँ मैं दूसरी जगह खड़ा हूँ यहाँ भी पीछे आप देख सकते हैं स्थिति यही है। ऊपर से जितना भी कचरा होता है, नाली का पानी होता है, सब यहीं आके रुकता है। सारे सीवर जाम है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था है नहीं, बदबू का अंबार है, गंदगी का अंबार है, और इसी में लोग रह रहे हैं जाने कैसे। यहाँ मुझे लोग घींच घींच के जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि पूरे वार्ड में गंदगी है। ये मैं तीसरी जगह आया हूँ जहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है, लेकिन जैसा हम लोग देख पा रहे हैं तो स्थिति सही में बहुत गंदी है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से भी।
हाँ बताइए क्या बोल रही सर। यहाँ पे झाड़ू वाले भी नहीं आते, हमारे यहाँ कोई सफाई नहीं होती है सर। गाड़ी आती है? कुछ भी नहीं आता सर, यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आती। नहीं आती सर, जब जरूरत रहती पार्षद को जब ही आती है पार्षद, वैसे पार्षद नहीं आती है। हमारे मल्टी कोई देने की है, ऐसी हम कचरा में डरे हैं। मल्टी मल्टी क्या दे दी, सिर्फ मल्टी में रह लेंगे क्या, कचरे का क्या? हाथों से साफ करते ही इस मल्टी में, और मंत्री भी रह ले बता दे, हम जान जा रहे जी। पार्षदों और मंत्रियों का आमंत्रण दे रहे हैं यहाँ के रहवासी की, आइए और जरा हमारे साथ एक आध हफ्ता बिताइए। आप लोग खुद जो है नाली वाली सब साफ साफ करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता आप लोग को? नहीं करते सफाई अफाई कुछ नहीं करते, वो लोग नहीं आते, सुनते ही नहीं है, सब आ जाएंगे माता जी कर देंगे उनको, है ना, उनको ऊँची पोस्ट मिल जाती तो कोई नहीं देखता गरीबों के लिए। ऊँची ऊँची पोस्ट मिल जाने पर गरीबों को कोई नहीं देखता है, आते ही नहीं है, बोलते तो उल्टा उल्टा बोलते होंगे, पीछे गंदगी देखे जैसे हमारी बात खड़ी आती है। वो सब कटेगा, आपको जो रिकॉर्ड कर रहे हो कर लो। ये गंदगी है, ये गंदगी है, सर कभी गैस नहीं है तो हम चूल्हे में रोटी बनाते हैं। आपके लेफ्ट में जहाँ हम चूल्हा में रोटी बनाते हैं कभी गैस नहीं रहती है, लकड़ी नहीं अपने बना लेते, अब ये नाली में कीड़े मकूड़े हम बनेगा खाना। ये वाइट लो, ये वाइट लो दादा। हाँ क्या दिक्कत, इधर आइए। चूल्हे साहब हमें यहाँ रोटी बनाते हैं, नाली भरी है, कीड़े मकूड़े भी बोलते है। हाँ अब ये कोई पार्षद और मंत्री कौन आता है देखने के लिए? आप हाँ बनाने पड़ता है सर, उज्ज्वला योजना वाली सब कुछ वो भी है, नहीं पूर्ति है 10 परिवार में, 10 परिवार में नहीं, फिर तो फिर यही इसी गंदगी में खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं गंदगी में खाना बनाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है और गंदगी के लिए इतनी जगह है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा पानी भरा है, मैं इसमें अंदर जा तो नहीं सकता, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं लोग उनका कहना है कि ये कम से कम 5 से 6 फीट गहरा है, अगर जो कोई बच्चा इसमें गलती से गिर जाए तो आप देख लीजिए यहाँ पे इतनी सारी काई है, इतनी गंदगी है कि जब तक वो निकाला जाए तब तक हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए उसके साथ। यहाँ स्थानीय निवासियों से जान लेते हैं कि ये कितना गहरा होगा। सर क्या होगी इसकी गहराई? सर इसकी गहराई करीब 7-10 फीट के आसपास होनी चाहिए, तो क्योंकि पूरा खदान, पूरा खदान है ये, पूरा खदान है। जी हाँ, बच्चे गिर जाते हैं, गिरे भी हैं, गाय ये गिरा, ये छोटू गिरा है, क्या नाम है इसका मुझे पता नहीं, पर गहरा है। बच्चे इसमें गिर नहीं सकते हैं, बल्कि बच्चे इसमें गिर जाते हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि कई बार इसमें मवेशी भी गिर जाते हैं, तो इतनी इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी गंदगी, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं पार्षद साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप किस लिए जीते थे, आपको किन्ने जितवाया था, और जिन लोगों ने जितवाया था आपने उनके लिए क्या किया? मल्टियाँ सरकार की तरफ से दी गई हैं इनको, तो मल्टियों के अंदर की क्या स्थिति है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि इसमें इतने दोयम दर्जे का सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है कि गलती से अगर जो आप एक कील भी ठोक दें तो पूरी दीवार जो है भरभरा के नीचे आ जाती है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बिल्डिंग के अंदर, देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखो सर पूरे गीली है, चलो ये है बिल्डिंग के अंदर का नजारा, पूरे बिल्डिंग के आप दीवारों पे देख लें तो सीलन है बाकायदा तरीके से, सालों से ये पुते नहीं है ऐसा लग रहा है, और ऐसी स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं। सरकारें सो रही हैं और लोग परेशान हैं। तो हम इस वक्त घूम रहे थे वार्ड नंबर 49 में, और यहाँ की क्या स्थितियाँ हैं यह तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि जब से पार्षद जीती हैं तब से यहाँ दर्शन नहीं हुए हैं उनके, और बता दें आपको कि ये कॉलोनी ज़्यादा कुछ पुरानी नहीं है, बिल्डिंगों की हालत देख के आप कह सकते हैं कि भले पुरानी होगी, लेकिन ये अभी 3 साल पहले इन लोगों को आवंटित की गई थी।
ये इन लोग अभी 3 साल पहले ही आवंटित की गई थी। इसकी स्थिति क्या है ये तो आपको दिखवा चुके हैं। पार्षद के ऊपर बहुत ही गंदे इंजाम लगाए गए हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि पार्षद कभी आती नहीं, हमसे मिलती नहीं, सफाई के नाम पे गाड़ियाँ आती हैं लेकिन सिर्फ आती और जाती हैं, सफाई कभी होती नहीं। नालों की स्थिति बदतर है, नाले दलदल बन चुके हैं, 5 से 7 फीट के गड्ढे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, हालत बहुत ही दयनीय है। जी मैं उसी वार्ड में खड़ा हूँ, यहाँ पीछे की स्थिति आप देख सकते हैं, जो पूरे वार्ड की स्थिति है उससे सबसे भयानक स्थिति यहीं पे है। यहाँ सामने बिल्डिंगें हैं, पीछे गंदगी है, और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो जो वहाँ पे फोकस करके जो एक सुअर मरा हुआ है पिछले 2 दिनों से, उसे दिखाने की कोशिश करें। मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा है, असहनीय बदबू है। यहाँ बगल में घर हैं, पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं। गंदगी आप खुद देख सकते हैं, पता नहीं कितने दिनों से ये पानी जमा हुआ है, कितने रोग होंगे, डेंगू मलेरिया, मच्छर से पनपने वाले सारे रोग, गंदगी से पनपने वाले सारे रोग। यहाँ बच्चे खेलते हैं, स्थिति इतनी बुरी है कि 2 दिन से सुअर मरा पड़ा है। कचरे की गाड़ी पता नहीं आती है तो क्या करती है, लेकिन अभी तक उसको उठाया नहीं गया है। पार्षद के ऊपर जो लोगों ने इंजाम लगाए हैं, कहीं ना कहीं इन सब दृश्यों को देख के साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि वह सही थे। उनका साफ साफ कहना है कि पार्षद जीतने के बाद अभी तक एक भी बार वार्ड में निरीक्षण करने नहीं आई हैं। तो फिर भाई पार्षद आप बनी किस लिए हैं? आपको यहाँ के लोगों ने चुना था कि आप निरीक्षण करें, वार्डों की जो है बदहाल स्थिति है उसको सुधारें, पर आपने क्या किया? यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि हमें पार्षद की तरफ से मिला सिर्फ तो धोखा और कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक और वार्ड में ले जाएंगे हम आपको अपनी अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन अवनीश के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।